हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे मानसिक जो हमारा जो योग्यता है, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, तो ये जो हमारा पार्ट होता था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने 3 क्लास फाइनल कर चुके थे, ठीक है। तो आप लोगों में से जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। और हमारा क्लास नहीं देख रहे हैं तो आप यहाँ से आज से जो है क्लास देखना शुरू कर दीजिए। कोई भी डाउट हो उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे, आपके लिए फिर से हम वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो क्लास नंबर 4th यहाँ पे होगा। आपको पता है कि यूपी पुलिस में ये एक पार्ट अलग से पूछ रहा है, ठीक है। ये जो का पार्ट है ये आपका एक अलग से पूछता है मानसिक। इसमें आपको 3 तरह के टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक मानसिक अभिरुचि, दूसरा बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 पार्ट तो हम यहाँ पे देख चुके थे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका वहाँ पे जो है हो चुका था मानसिक अभिरुचि में, किस तरह से क्वेश्चन है आप जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके आज हम जो देखेंगे ये बुद्धि लब्धि देखेंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि यहाँ पे देखेंगे हम ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी 2 से 3 क्लास या 4 क्लास हो सकता है, जितना भी इसमें क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद से तार्किक क्षमता देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए ये टॉपिक है। आप अगर प्रैक्टिस किए हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूरा पूरा यहाँ मिलने वाला है। इसमें कोई भी आपको यहाँ पे जो है घबराने दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करें, आपके लिए फिर से बता देंगे। देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे है, ठीक है। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, ठीक है। कोई शब्द है उसका संबंध इनमें से कौन किससे हो सकता है, एक समानता क्या होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कोई भी शक्ति, मान लीजिए बकरी है, ठीक है। तो बकरी का संबंध अगर जानवर से है यहाँ पे, ठीक है, जानवर में आती है, तो कोई और जैसे कि यहाँ पे बाघ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संबंध क्या आएगा, तो इससे जुड़ी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं तो ये एक तरह का समानता है, चाहे वो आपकी भाषा पर हो, सॉरी यहाँ पे बोली से हो, या उसके रंग से हो, या उसके रूप से हो, ठीक है। तो उससे जुड़ी जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये आपका इस चैप्टर में होता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। और यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिलेबस हम बहुत पहले ही बता दिए थे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने क्या है, ठीक है। तो जिस प्रकार उल्लू क्या है उड़ने से संबंधित, उस प्रकार आपका मेमना क्या है। तो अगर आप मेमने के देखें तो क्या करती है, ये जो आपकी रहती है ये क्रीडा करती है, ठीक है। क्रीडा मतलब खेलती है, ठीक है, क्रीडा। तो क्रीडा से हो जाएगा यहाँ पे, तो क्रीडा करना इसका क्या हो जाएगा, मेमना हो जाएगा। ये सब सारा आपका अलग है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको जो है संबंधित क्वेश्चन जो आपको बोला गया कि उल्लू क्या करता है, उड़ने से संबंधित रखता है, उसी प्रकार मेमने क्या होगा, क्रीडा से, यहाँ पे क्रीडा करना इससे आपका संबंधित होता है। तो एक तरह से संबंध यहाँ बताता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो लार का मतलब लार ग्रंथिया, इसी प्रकार पित्त का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पित्त देखिए, लार का मतलब लार ग्रंथिया, तो पित्त का क्या हो जाएगा, अग्नाशय से होगा, ठीक है। अग्नाशय से इसका ग्रंथिया, मतलब एक दूसरे से ये मैच खाना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे आपका आंसर होगा ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हो, मतलब डिफरेंट नहीं करने से। लार का मतलब आपका क्या, लार ग्रंथिया, उसी तरह से पित्त का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, सेम यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बस आप एक तरह जितना प्रैक्टिस किए हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन को कोई भी अगर आप डाउट हो तो उसको जो है तुरंत आप बताएंगे, फिर से हम आपको बता देंगे। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान देके, नारियल, मूंगफली, सरसों, ठीक है। आपका जो दिया गया है ये दिया गया नारियल, ठीक है, नारियल, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, इसके बाद आपके सरसों, ठीक है, सरसों ये दिया गया, और क्या दिया गया, मकई होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए मकई है, ठीक है, तो यहाँ पर मकई, ठीक है, ये दिया गया है। तो विकल्पों में से ऊपर के समूह में अनुरूप हो सकता है, इसमें से क्या होगा, काजू, कोको, जैतून, बादाम, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे बादाम को ध्यान से, ठीक है, अगर बादाम को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके में आपका आ जाएगा बादाम, ठीक है, बादाम, ये सब क्या है आपके तिलहन में आते हैं, ठीक है, तिलहन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपके नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई, यहाँ बादाम, तो ये सब सारी आपकी इसके जुड़ी है, बाकी सब ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इसके अनुरूप जो आपको दिया गया यहाँ पे इसके अनुरूप, तो इसी में आपका भी बादाम भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से संबंध वाले जो क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला देखिए कि दिए गए युग्म का एक विशेष संबंध यहाँ पे साझा करते हुए विकल्प में दिए गए शब्दों के इसी प्रकार संबंध साझा करना, यानी कि व्यायाम है तो तंदुरुस्ती मिलती है, ठीक है। अब देखिए ए का रिलेशन अगर बी से है, ठीक है, तो
तो आपको आंसर भी इसी तरह से बताना है, रिलेटिव वाला, ठीक है। तो अगर आप देखें कि बारिश से फसल होती है, ठीक है, अभ्यास से निपुणता, त्याग से सम्मान, ठीक है, धन से आनंद, तो यहाँ पे इस प्रकार संबंध में साझा करता है, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से, तो यहाँ पे क्या होता है, अभ्यास, अभ्यास करने से क्या आती है, निपुणता आती है, ठीक है। आपको ज़्यादा उसमें, जैसे मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस सेट करिए, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम जो भी आपके आएंगे एग्जाम में, तो उसको तुरंत आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, बजाय उसके जो बहुत ज़्यादा नहीं किया प्रैक्टिस, ठीक है, तो मतलब वो आपसे बेहतर नहीं कर पाएगा। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको क्या होगा, एक अनुभव आ जाती है कि हाँ इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। तो एक बार मतलब अनुभव का मतलब कि कई बार क्वेश्चन लगाए रहते हैं, तो आपको कोई अगर नया क्वेश्चन घुमा के देता फिर भी आप वहाँ पर जो है आपका अनुभव ज़्यादातर काम करता है। तो यही आपको कह रहा है कि अभ्यास से क्या आती है, निपुणता। तो ये रिलेटिव वाला है कि ए का बी से, बी से रिलेशन है, उसी तरह से आपको आंसर यहाँ पर चुनना रहता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपको जो यहाँ पे कह रहा है, तो अगला जो है आपका ये क्या कह रहा है कि बादल से, बादल है, बारिश है, ठीक है, मतलब इस तरह से है, ठीक है, ए का बी से रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो और यहाँ पे सी और डी होगा, सी और डी, ठीक है। तो इसका ये आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि बादल से बारिश होता है और फूल से गंध, यहाँ पे सुगंध होता है, सूर्य से प्रकाश, पर्वत से पहाड़, आदमी से काम, तो इसी तरह से क्या होगा, ये सूर्य से प्रकाश, अगर देखें ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप ऐसे लगेगा कि आदमी है तो काम है, तो आदमी से बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन यहाँ पे बादल से बारिश आता है, केवल एक ही चीज़ है, यहाँ बादल है यानी बारिश होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आदमी है तो आदमी केवल काम नहीं करता, आदमी बहुत सारे मतलब आपके जो वर्क यहाँ पे करते हैं, तो कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बादल से बारिश यानी ये फिक्स है कि यही चीज़ है, उसी तरह से सूर्य है तो प्रकाश जरूर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आंसर आपको चूज करना रहता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, देखिए ये आपका इसी तरह से है कि उस विकल्प का चुन यहाँ पे चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद, यानी कि यहाँ पे यही है आपका ए का बी से रिलेशन है, तो आपको सी और डी बताना है, ठीक है। मतलब ये आपका जो आपको ये बताना है सी और डी में, ये आपका है जैसे कि चिकित्सक का रोगी से है, ठीक है, जो चिकित्सक डॉक्टर होता है उनका रोगी से है, तो उसी तरह से आपके वकील का क्या हो जाएगा, अभियोक्ता, ठीक है, अभियोक्ता जो उनके होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभियोक्ता से हो जाएगा, ठीक है, अभियोक्ता। तो आंसर देखें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो बहुत टफ नहीं होते हैं, आप क्वेश्चन देखें जब प्रैक्टिस किए तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सादृश्यता पूर्ण करें, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ का आपको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, अब इधर का आपका दे दिया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपको खाली स्थान दिया गया, फिर इसका रिलेशन आपको दिया गया है यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, और इस टू यहाँ पे क्या दिया गया, ये दिया गया है पक, ठीक है, और यहाँ पे इसका संबंध किससे है, आइस हॉकी से, ठीक है, ये है आपका आइस हॉकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको करना है, करना ये है कि देखिए यहाँ पे जो इसका रिलेशन इससे है, ठीक है, यानी कि जो ये पक है, ये क्या होता है, ये एक रबड़ का डिस्क होता है, ठीक है, रबड़ का, ये क्या होता है, रबड़ का डिस्क होता है, ठीक है, रबड़ का डिस्क होता है, जिसको क्या किया जाता है, इसको इसमें इसका गेंद के रूप में, इसको जो है यहाँ पे गेंद जो होता है, गेंद के रूप में आइस हॉकी खेलने के लिए गेंद के रूप में रबड़ का डिस्क होता है, इसको इसको बोलते हैं पक, ठीक है, जो गेंद होता है इसको पक बोलते हैं आइस हॉकी में, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, अगर यहाँ पे इसका ये पूछ रहा है, तो क्रिकेट में क्या होता है, इसको हम गेंद यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ बोल देंगे ये गेंद यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यही आपको यहाँ पे पूछ रहा था कि ये बताइए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, लेकिन आपको जो है पूरा यहाँ पे आ जाएगा, हाँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बल्ला नहीं होगा, यहाँ पे गेंद होगा, क्योंकि इसका रिलेशन देखना है, इसका इसका रिलेशन इससे क्या है, इसको जो पक होता है ये गेंद होता है, ठीक है, इसको एक रबड़ का डिस्क होता है, गेंद के रूप में उसको वहाँ भी यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसका रिलेशन यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो वही आपका गेंद ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे आपको जो कह रहा है यही फिर इस तरह से, केसर, केसर क्या है, एक मसाला है, सेब क्या है, केसर किसके श्रेणी में आता है, मसाला का, सेब किस में आता है, फल में, ठीक है, फल में, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन है आपको इसी तरह से पूछता है, काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, देखिए यहाँ पे दिया है आपको तितली और कीट और सांप का बताना रिलेशन, तो तितली क्या आती है, एक कीट में आती है, आपको पता है, ठीक है, एक कीड़ा होती है, कीट यहाँ पे कीट होता है, तो सांप किस में आता है, ये रेंग चलता है, ठीक है, रेंगने वाला ये आपका होता है, ठीक है, इसको रेंगने वाले को क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, सरीसृप, ठीक है, सरीसृप मीन्स रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल इसको कहते हैं,
तो सरीसृप श्रेणी में आता है। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कुवैत दिनार, ठीक है। कुवैत दिनार और तुर्की का यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, ये आप देखिए क्वेश्चन में बार बार ऐसे लिखा रहेगा, ये हम नहीं पढ़ रहे, आपको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा है इस चैप्टर से किस तरह से आता है, ठीक है। तो कुवैत इसका क्या है, ये इसका कुवैत का जो मुद्रा है, ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो कुवैत की मुद्रा यहाँ पे क्या होती है, मुद्रा मतलब जो जैसे हमारे यहाँ इंडियन क्या है, रुपया है, ठीक है, रुपया है, उसका सिंबल किस तरह से होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपका रुपया में आता है, ठीक है, रुपया में। इसी तरह से आपका जो है कुवैत यहाँ पे है, दिनार इसका मुद्रा है, तो तुर्की का यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है कि इसका मुद्रा क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आप यहाँ पे देखें तो इसका जो मुद्रा होगी, ठीक है, तो इसका मुद्रा क्या हो जाएगी, लीरा, तुर्की का जो मुद्रा होता है लीरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जीएस का भी क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, मैं देखता हूँ कि जीएस का बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से घुसा पूछता है, रिलेशन बना के। देखिए जैसे यहाँ पूछा गया मुद्रा पूछा, इसी तरह से आपको राजधानी पूछ सकता है, ठीक है, देश की राजधानी, राज्य की राजधानी पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको भूगोल में भी कुछ बहुत सारे ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्या करता है, इस तरह से रिलेशन बना के पूछ देता है। तो आपको ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस आते हैं सारे आपको आने चाहिए, तो आप जाके कहीं ना कहीं अच्छा जो है नंबर यहाँ पे जो है वहाँ पे आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है, मतलब बहुत कम होती है, एक से दो क्वेश्चन ऐसा रहता है, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा ही होगा, आप जानेंगे तो ये भी करेंगे और वो भी सब्जेक्ट आप कर ले जाएंगे। तो लीरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टिकरण अस्वीकरण। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उल्टा करके दिया गया है, पुष्टिकरण मतलब क्या होता है, उसका पुष्टिकरण हो गया, ठीक है। तो इसका विपरीत शब्द यहाँ पूछा गया, ये क्या है, विपरीत शब्द है, ठीक है, विपरीत शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। तो सृजन का, सृजन का क्या होगा, सृजन करना मतलब उसको उगाना, उसको बनाना, ठीक है, सृजन करना, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, नष्ट करना, बिगाड़ना, ठीक है, नष्ट करना। तो ये विपरीत यहाँ पे शब्द आपको यूज किया गया है, मतलब जो यहाँ पे अगर बात करें एक का जो बी से रिलेशन है वही आपको सी से डी का रिलेशन होना चाहिए, यानी इसका क्या किया गया, ए का रिलेशन जो बताया गया बी में, ये इसका विपरीत बताया गया है, ठीक है, विपरीत, इसका भी विपरीत यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हम आपको बताने वाले थे। तो ये पुष्टिकरण का अस्वीकरण होगा, तो सृजन का क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे नष्ट आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू हु हु करती है तो बकरी क्या आती है, मिमियाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिमियाना, ठीक है, मिमियाना, उल्लू क्या करता है, हु हु करता है, तो मिमियाना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, यहाँ पे यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया, फिर से वही क्वेश्चन है, लोहार क्या करता है, यहाँ पे संदान में, संदान से जो आपका यहाँ पे वो है, इसका संबंध है, तो बढ़ाई क्या किससे है, ये आपका आरी से हो जाएगा, ठीक है, आरी से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी नंबर, देखिए यहाँ पे सी हो गया, लेकिन ये आपको समझ लीजिए बी ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद अगला देखिए, तो यहाँ पे गन है तो शूट करेगा, छेनी क्या करेगा, छेनी यहाँ पे क्या करता है, आपको नक्काशी निकालता है, ठीक है, नक्काशी मतलब उसका जो है नक्शा, उसको काट के जो है उसको यूज किया जाता है, जिस भी तरीके से हमको चाहिए तो उसका निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गन का यहाँ पे शूट करना, तो छेनी क्या होगा, नक्काशी निकालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद यह है देखिए हिरण, देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया क्वेश्चन, ये दिया गया हिरण, ठीक है, इसका किससे है, मृग, मृग छोना से, ठीक है। और इसी तरह से आपका यहाँ पे घोड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका घोड़ा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, घोड़ा देखिए यहाँ पे इसका जो मृग छोना यहाँ पे बोला जाता है हिरण के बच्चे को, ठीक है, हिरण के बच्चे को मृग छोना बोला जाता है, तो घोड़े के बच्चे को क्या बोला जाएगा, तो ये आपका बताना है, तो ये आपका बछेड़ा बोला जाता है, ठीक है, बछेड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बछेड़ा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये इसके बच्चे का नाम है मृग छोना। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि भागना चलना, ठीक है, भागना चलना, एक तरह देखिए यहाँ पे जो है आपका तेज से आपको कम की यहाँ बताया गया है, तेज से धीरा, मतलब यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे धीरा हो जाएगा, तेज से धीरा, तो भारी वर्षा बूंदाबांदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से, तो ये तो भाई भागना मतलब तेज की बात कर रहा, भाग रहा है, यहाँ चलना मतलब ये धीरा की बात कर रहा, ठीक है। इसी तरह से भारी वर्षा मतलब बहुत तेज हो रहा है, बूंदाबांदी मतलब बहुत धीरा हो रहा है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे आंसर जो चूज करना रहता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को ज्ञात कर जिसे समूह में सदस्य का जो है आपका यहाँ क्या दिया गया, ताला दिया गया है, ठीक है, ताला दिया गया है, और क्या दिया गया आपका,
रोक दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया, कसा हुआ दिया गया है, ठीक है, कसा हुआ। इसके बाद से आपका देखेंगे यहाँ पे द्वार, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका परफेक्ट यहाँ पे जो शब्द है ये द्वार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट शब्द यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ये है आपका बंदूक, ठीक है, बंदूक का संबंध किससे, गोली से, तो टार्च का किससे होगा, बैटरी से हो जाएगा, ठीक है, बैटरी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको संबंध बताने थे, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करिए, आपके लिए फिर से हम जो है यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था बुद्धि लब्धि का, सॉरी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे चैप्टर था बुद्धि लब्धि का। इसमें से जितने भी आपके जो है चैप्टर हैं तो चैप्टर वाइज उसको हम बता देंगे, सिलेबस पहले ही बता चुके थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।